भारत में मौजूद विमान कंपनियों में से एक है एयर इंडिया, जो एक सरकारी विमान सेवा है, यानी इसका परिचालन भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। एयर इंडिया में यूं तो कई सुविधाएं मिलती हैं, साथ ही अपनी कंफर्टेबल राइड के लिए भी जानी जाती है। हवाई जहाज यातायात का एक ऐसा साधन है जिसे सात समंदर की दूरियों को घंटों में तय किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के हवाई जहाज ने कब पहली बार विदेश के लिए उड़ान भरी थी? 8 जून 1948 वही दिन था जब पहली बार एयर इंडिया की फ्लाइट ने मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक एयर इंडिया की इस उड़ान ने 5000 मील का फासला काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन तक तय किया था। इस पहली उड़ान में जेआरडी टाटा और जामनगर के नवाब अमीर अली खान जैसे दिग्गज सवार थे। इसकी सफलता भारतीय सिविल एविएशन के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये भारत से उड़ने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट थी, जो मालाबार प्रिंसेस नाम के 40 सीटर L749 कॉन्स्टेलेशन से पूरी होनी थी। इस फ्लाइट के कैप्टन KR गुजदार थे, जिनके नेतृत्व में फ्लाइट ने अपना सफर तय किया। 5000 मील के इस सफर को मालाबार प्रिंसेस ने 2 दिन में पूरा किया। 8 जून को मुंबई से चलने वाली ये फ्लाइट 10 जून को लंदन पहुंची। इसमें सवार 35 यात्रियों में से 29 को लंदन और 6 को जिनेवा उतरना था। इस फ्लाइट ने मुंबई से देर शाम को उड़ान भरी थी। हालांकि इस यात्रा के लिए लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। इस उड़ान के लिए एयर होस्टेस को भी खास ट्रेनिंग दी गई थी। इससे पहले एयर इंडिया को घरेलू उड़ान का अनुभव था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय के लिए एयर इंडिया ने नए पदों पर नई भर्तियां की। इससे पहले एयर इंडिया को घरेलू उड़ान का अनुभव था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए एयर इंडिया ने नए पदों पर नई भर्तियां की, जिन्हें ऐसी लंबी उड़ानों का अनुभव हो। उड़ान भरने से पहले एयर इंडिया ने काहिरा, जिनेवा और लंदन में अपना ऑफिस भी खोला था। जिस दिन एयर इंडिया की यह उड़ान भरनी थी, उस दिन सांता क्रूज एयरपोर्ट के छोटे से टर्मिनल भवन के भीतर भी माहौल में काफी गहमा गहमी थी। देर रात होने के बावजूद अनेक लोग इस उड़ान को देखने के लिए आए थे। बात अगर किराए की करें तो उस वक्त एयर इंडिया ने इस उड़ान से पहले 3 जून को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लिखा था, काहिरा और जिनेवा होते हुए लंदन तक उड़िए मेरे साथ, वो भी सिर्फ 1720 रुपए में। जी हाँ, एयर इंडिया की पहली अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में 71 साल पहले 1720 रुपए किराया था। बात मौजूदा वक्त की करें तो उस वक्त मुंबई से लंदन पहुंचने में फ्लाइट को 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा था, जबकि अब सिर्फ 10 घंटे ही लगते हैं और किराया भी 20,000 रुपए से शुरू हो जाता है। AmarUjala.com अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। 1 साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।